केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर दोनों राज्य की सरकारों से शुक्रवार को जवाब मांगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्यों की सरकारें वोटरों को लालच देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार के नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार ये होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर ही आ जाता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करिए, 4 हफ्ते के भीतर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भट्टू लाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इसे मामले पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें जैसे टैब इत्यादि बांटे जाते हैं और राज्य सरकारें इसे जनहित का नाम देती है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव से पहले हर तरफ के वादे किए जाते हैं और हम इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हम इसे अश्विनी उपाध्याय की याचिका के साथ टैग करेंगे, लेकिन अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आदि को पक्षकार बनाना है। आपको सरकार को पक्षकार बनाने की जरूरत है और RBI, महालेखा परीक्षक आदि को पक्षकार बनाने की जरूरत है। जनहित याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह के वादे करके और मुफ्त सुविधाएं देकर करदाताओं के पैसे को बर्बाद कर रही है और ये रिश्वतखोरी और गलत प्रभाव डालने के बराबर है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य भारी कर्ज में है और मुफ्त चीजें नहीं बांटी जानी चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। राजस्थान में कांग्रेस तो वही मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है।